बोला जो है प्रभु मुझे बस एक बार वृंदावन बजा बुला लो, तो वैसे नहीं तो बोले जो अगर नहीं बुलाओगे तो मैं अपना सर पटक के जान दे दूंगा यहीं पे। तो और रात को 2 बजे घर से भाग गया किसी को बिना बताए साइकिल से, फिर साइकिल यहाँ से। श्री हरिवंश, अब हम मिलेंगे पूज्य श्री रेणु राधा गोविंद बाबा से जो कि दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। पूज्य महाराष्ट्र से कैसे जुड़े आइए। श्री हरिवंश, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेणु राधे गोविंद है। आपके क्या भाव रहे जब आप पहली बार वृंदावन धाम आए, कैसा लगा? मैं तो वैसे वृंदावन बस गुरुजी को जो है उनको साक्षात देखने के लिए आया, और उनको मैं देखने और उनको जानने के लिए मैं यहाँ पे वृंदावन आया जो उनको अच्छी यहाँ पे है क्या। फिर मैं वहाँ से अपने घर से लगभग डेढ़ दो साल से ही मैं सोच रहा था जो वृंदावन जाऊँगा, लेकिन कभी घर में कोई घटना हो जाती, कभी मेरे दादाजी गुजर गए, जिस दिन मैं टिकट बनाने वाला था उस दिन एक दिन पहले मेरे दादाजी गुजर गए, तो फिर मैं आने वाला था लेकिन मैं नहीं आ पाया। तो फिर वैसे ही मैं 17 तारीख को क्या कि 16 तारीख को यही 16 मार्च जो है उसमें मैं आना चाहता था, तो मैं मेरे घर के बगल में ही महादेव मंदिर है जहाँ पे महादेव विद्यापति जी को साक्षात रूप से दर्शन दिए, तो वहीं पे मैं अपना गया शाम के दिन संध्या के समय, और वहाँ पे मैं परिक्रमा करके बोला जो है प्रभु मुझे बस एक बार वृंदावन बजा बुला लो, तो वैसे नहीं तो बोले जो अगर नहीं बुलाओगे तो मैं अपना सर पटक के जान दे दूंगा यहीं पे। तो श्री जी की कृपा, मैंने बस माता जी को बोला, बैग से पैक किए और रात को 2 बजे घर से भाग गया किसी को बिना बताए साइकिल से, फिर साइकिल यहाँ से मतलब अपने घर से मुजफ्फरपुर तक लगभग 90-95 किलोमीटर साइकिल से चला के आया, फिर वहाँ से फिर बस पकड़ के माँ से बहुत रोने लगी, बोली जो नहीं बेटा और समय साल ठीक नहीं है, तो ऐसा करो बस पकड़ के आप चले जाओ पटना, वहाँ पे मेरे चाचा जी रहते हैं, वहाँ पे साइकिल ला करके फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैंने यहाँ 20 को यहाँ आया वो मथुरा, फिर मथुरा से गोकुल सब घूमा, वहाँ का होली खेला गोकुल का मथुरा का, फिर यहाँ आया, और बस यही जो मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ बस इसलिए जो श्री जी इन तुच्छ प्राणी और पापी प्राणी को थोड़ी दंडवत प्रणाम। और श्री हरिवंश बाबा, आप पूज्य महाराज जी से वृंदावन धाम से कैसे जुड़े? मैं ऐसे ही आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने वैसे ही जैसे शॉर्ट वीडियो होते हैं रील्स, तो वैसे ही मैंने यूट्यूब पर रील्स चालू देखा, देखते देखते ऐसे ही महाराज जी जो मेरे वृंदावन के महाराज जी, तो उन्हीं से मैं सत्संग और जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं वहीं से देखा, धीरे धीरे उनसे लत लगने लगी और श्री जी की कृपा से फिर मैं बहुत उनमें भावुक होने लगा और सुनते सुनते महाराज जी से प्रेरित होकर के उनको अपना आराध्य देव मानने लगा। आपको महाराज जी को सुनते हुए क्या भाव लगता है, क्या क्या परिवर्तन लगता है? महाराज जी से सुनने के बाद यही असली मान्यता पता चलती है जो हमारे मनुष्य जीवन क्या है, हम जिस मनुष्य रूप से जीवन से इस धरती पर आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, उनसे विमुख होकर के ये जो जगत में भौतिक चकाचंद है, भौतिक मार्ग, ये मोह मस्तक, इन सब को त्याग करके जो भक्ति मार्ग है उनमें डूबे और अपने श्री जी में जो है उनका सेवा करें, वो तो हमारी स्वामी है तो उनकी बस सेवा करें, कर्मा लगा रहा हूँ और महाराज जी की लंबी आयु का कामना करता हूँ, इसलिए मैं दंडवत लगा रहा हूँ। इच्छा या फिर नहीं, अभी तो मैं शुरुआती, मेरी बहन भी है और मेरे गृहस्थ जीवन, तो अभी मैं जब तक माता पिता है उनकी सेवा करते साथ साथ मैं श्री जी की कृपा से उनका सेवा करते करते परिवार का भी सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए जब उनकी महिमा होगी तो मैं यहाँ पे धाम निवास कर लूँगा, लेकिन पहले माता पिता भी है तो उनका भी सेवा करना है इसीलिए। आपको महाराज जी की कौन सी बात अच्छी लगी करके ले आई? महाराज जी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जो वो जो हमारे नवयुवक पीढ़ी को जो बता रहे हैं जो गलत विचार मत करो, गलत संग अधर्म के मार्ग पर मत चलो, जो व्यभिचार की चीज़ होते हैं उनसे मैं भी जीत चुका हूँ, और मैं तो कभी नशा नहीं किया, लेकिन जैसे होते हैं जो लड़कियों के चक्कर में फिर पढ़ाई से विमुख होकर के अधर्म के मार्ग पर चलना, तो उनकी जो ये बात सवाई मुझे बहुत वो सच अच्छी बात लगी, और वो सच्चाई भी है जो संसार में आपको कोई साथ नहीं देने वाला, एक ही साथ देते हैं वो है श्री जी, तो उन्हीं से ये बात मुझे प्रेरित हुई और मैं आने यहाँ आ गया। और आपको धनवाज परिक्रमा करते हुए कितने लगभग 3 दिन हो गए,
और मैं यहाँ परिक्रमा चुंगी चौक की जो है ना अटल चुंगी वहीं से परिक्रमा करते हुए आज सोच रहा हूँ जो आज समाप्त कर दो। 3 दिन हो गए मुझे परिक्रमा करने, बस दंडवत परिक्रमा भागवती बार तालाब करके बहुत अच्छा लगा। हमने करेंगे आपको श्री हरिवंश राधे राधे।